अस्सलामुअलैकुम। इजी कुकिंग विद फ़ज़ल में आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन मैक्रोनी की, जो कि हर घर में बहुत ही पसंद की जाती है बच्चों और बड़ों को। तो जी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ जो हैं वो कट कर ली हैं पहले से ही, तमाम वेजिटेबल्स जिसमें से स्प्रिंग अनियन है इसको मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर मैं मटर यूज़ कर रही हूँ, पीज़ और वो मैंने ले लिए हैं, छील के रख लिए हैं, अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं। शिमला मिर्च है और बंद गोभी है और गाजर है, इन तमाम को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इनको चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकते हैं, तो ईज़िली आपके जो है वो घर में जो है वो बच्चे जो होते हैं वो ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ खाने में चोर होते हैं, तो वो आप उनको इस तरह सब्ज़ियाँ खिला सकते हैं। तो फिर हम आगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बॉईल करने के लिए मैक्रोनी जो है वो रख दी थी, और ये मैक्रोनी मेरी बस हाफ डन हो चुकी है तकरीबन। इसमें मैंने 2 से 3 खाने का चम्मच ऑयल भी डाल दिया और 1 खाने का चम्मच मैं यहाँ पर नमक यूज़ कर रही हूँ। ये देखें हमारी मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो चुकी है। हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे, इसका सारा पानी अच्छे तरीके से छान लेंगे और ऊपर से हम टैप खोल देंगे ताकि जो है वो बिल्कुल भी ये आपस में चिपके नहीं। साथ ही अब हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने अनियन चॉप यूज़ करे हैं और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़े से क्रीम जो है वो अनियन भी डाले हैं साथ ही, और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है। ये चॉप किया हुआ खीमा है और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इसी वक्त। ये झटपट सी मैक्रोनी जो है वो आपको बड़ी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, हसब ज़ायका हैं। कुटी मिर्चें 1 खाने का चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर यूज़ किया है 2 खाने के चम्मच। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टमाटर प्यूरी का, और साथ ही यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस है। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्यूरी बना के मैंने रखी भी होती है। तो ये हम 4 से 5 खाने के चम्मच जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस जो है वो 2 से 3 खाने के चम्मच, या आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर जो है वो तमाम जो है वो सब्ज़ियाँ जो मैंने चॉप की हुई थी, शिमला, गाजर, बंद गोभी, हरी प्याज और मटर, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और बाकी सॉसेज अब हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं मैक्रोनी जो है वो अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो छान लिया था हमने, और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें मैक्रोनी भी ऐड कर रहे हैं, और फिर इसके बाद जो है हम तमाम इसमें सॉसेज यूज़ करेंगे, जिसमें से सिरका है यानी कि वाइट विनेगर और सोया सॉस। 2-2 खाने के चम्मच जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें जो हैं वो भी यहाँ पर आप इसमें डाल सकते हैं, मैं जो हूँ वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं देती बच्चों को, तो मैंने इसलिए लेस स्पाइस रखे हैं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखने के बाद ये हमारी मैक्रोनी जो है वो मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी तैयार है। आप ज़रूर इसको अपने घर पे ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकअल्लाह।